यूं तो डीएमएफटी मध्य उत्खनन क्षेत्र में विकास करने के लिए बनाया गया है, लेकिन खलारी प्रखंड क्षेत्र में लगातार इस मद से होने वाले विकास के कार्य हमेशा अनियमितता और विवाद में रहा है, जिसके बावजूद भी अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती। ऐसा ही मामला खलारी प्रखंड स्थित खलारी पंचायत का, जो जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी मद से निर्माण किए जा रहे पीसीसी पथ में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार खलारी पंचायत के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से लेकर सुधू लोहरा के घर तक 955 फीट पीसीसी सड़क का निर्माण जिला परिषद रांची के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पथ निर्माण में गुणवत्ता तथा मानदंडों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि पीसीसी पथ बनाने में आसपास के क्षेत्र से अवैध रूप से उत्खनन कर लाए गए पत्थरों को लगाया गया है, जो कार्य के मानदंड के अनुरूप नहीं। वहीं सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क की मोटाई दिए गए मानक पर हो। वहीं पत्थरों के बीच में बिछाए गए कंक्रीट प्राकलन के अनुरूप पथ की मोटाई नहीं है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया तो आसपास के ही कुछ लोगों को पैसे देकर मिला लिया गया, ताकि इसकी भनक किसी को भी नहीं लगे। साथ ही सड़क पर हो रहे अनियमितता की बात कही तो मौके पर मौजूद सड़क निर्माण कार्य की देखरेख में लगे संवेदकों ने अधिकार की बात कही और बोला कि यह आपका अधिकार नहीं है, आप इससे संबंधित इंजीनियर को बोले, हम कुछ नहीं कर सकते। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्य गांव के विकास में और प्रखंड को बेहतर बनाने को दिया जाता है, लेकिन संवेदकों और भेंडरों की मनमानी से और जिला की मिली भगत से इस मद का बंदरबांट हो रहा है। साथ ही डीएमएफटी मद विकास के नाम पर झांसा दे रहे मंत्रियों और वैसे बाहरी संवेदकों की जेब की कठपुतली बनकर रह गई है, जो इंजीनियरों और उच्च अधिकारियों को 20-30% मिठाई खाने को देते हैं। ऐसा घटिया निर्माण कार्य करने वाले भेंडरों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाने के साथ विभाग से संबंधित अधिकार से गुणवत्ता पूर्वक सड़क निर्माण कराने की मांग की। हाजिर हूँ।